इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना के इंजेक्शन के नाम पर लूटपाट करना अब मानो आम बात हो गया है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला नालासोपारा में देखने को मिला, जहां एक बंगाली परिवार को रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन की जरूरत थी। जब इस परिवार ने इस इंजेक्शन को खरीदने के बाद इसकी असली कीमत सुनी तो इनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। जी हाँ, इस इंजेक्शन की कीमत जहां बाजार में 3 से 4 हजार रुपए है, उसे यह भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर दलाल 15 हजार रुपए में बेच रहे थे। यह महामारी एक ऐसा समय है जिसमें सिर्फ डॉक्टर पर ही भरोसा किया जा सकता है, लेकिन यदि यही डॉक्टर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने पर अमा जाए तो आम इंसान कहाँ जाएगा। यह स्क्रीन पर नोट गिनता हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जिसने 3 इंजेक्शन के बदले इस परिवार से 45 हजार रुपए ठग लिए। यह तो गलीमत रही कि इस बंगाली परिवार ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करते समय इस डॉक्टर की वीडियो बना ली और इसका पर्दाफाश किया, ताकि आगे कोई ऐसी मुश्किलों में ना फंस सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज, वसई विरार। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरे को 15,000 में पड़ा था, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट है 4,000 रुपीज़, और ये इंजेक्शन मेरे को ऑल ओवर महाराष्ट्र की इधर मिल नहीं रहा था। तो मेरे से कांटेक्ट जितना हो पाया था, मैं कांटेक्ट करने का एक इंसान मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बोला 15,000 का एक इंजेक्शन। हाँ, तो मैं बोला था सर ठीक है, हम रेडी है। तो उन्होंने 3 इंजेक्शन दिया 45,000 में, और उसमें एक्चुअल प्राइस था 4,000 का पर पीस, मीन्स 12,000 का ये चीज़ मेरे को 45,000 में पड़ा। और वो जो एड्रेस है भाइंदर ईस्ट, एक मिनट, भाइंदर ईस्ट हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के नीचे ही हम लोग को ये इंजेक्शन मिला था। आपसे कितने पैसे लिए गए और उसके बाद आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की, क्या बताएंगे? हमसे उन्होंने पर इंजेक्शन 15,000 रुपये चार्ज किया, और इसी बात पे और किसी हमारे साथ जो हुआ और किसी के साथ ना हो, इसीलिए हम पुलिस चौकी में केस दर्ज करने आए थे।